वेल, आज हम आप सबको बताने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाने वाली मुनमुन दत्ता की आज हम आपको बताएंगे आखिर उनके बॉयफ्रेंड कौन थे और उन्होंने कैसे अपने करियर की शुरुआत की। आपको बता दें 2008 से चल रहे इस शो जहां जेठालाल यानी दिलीप जोशी शुरू से जुड़े वहीं बबीता जी का किरदार निभा रही मुनमुन दत्ता भी शो से पहले दिन से जुड़ी हैं। बता दें कि शो से लंबे समय से दया भाभी का किरदार निभाने वाली दिशा वकानी गायब है। वैसे शो में मुनमुन को काफी सिंपल किरदार में दिखाया गया है, लेकिन बात रियल लाइफ की करें तो मुनमुन बेहद ग्लैमर और बोल्ड है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी ढेर सारी ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं। इतना ही नहीं, वो सोशल मीडिया पर भी बेहद एक्टिव रहती हैं। बता दे, जेठालाल और बबीता का रिश्ता बहुत पुराना है। बबीता यानी मुनमुन दत्ता और जेठालाल यानी दिलीप जोशी इस सीरियल के पहले हम सब बाराती में साथ नजर आ चुके हैं। कहा जाता है कि जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कास्टिंग की जा रही थी तब दिलीप जोशी ने ही बबीता के रोल के लिए मुनमुन का नाम सुझाया था। एक्ट्रेस होने के साथ साथ मुनमुन मॉडलिंग के लिए भी जानी जाती हैं। वो अब तक कई टीवी चैनलों और मैगजीन के कवर पेज पर नजर आ चुकी हैं। वहीं मुनमुन दत्ता का जन्म पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जिले में हुआ था। मुनमुन ने पुणे से अपनी पढ़ाई की। मुनमुन ने पोस्ट ग्रेजुएशन अंग्रेजी विषय से किया है, फिर वो मुंबई आ गई थी। एक इंटरव्यू में मुनमुन ने बताया था कि वो एक्टिंग में नहीं आना चाहती थी बल्कि डॉक्टर बनना चाहती थी। मुनमुन ने कहा कि मैं तो अब भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मौका मिलता है तो मैं बहुत पढ़ती हूँ, मेरे फोन में मेडिकल से संबंधित एप्स है। वहीं 2004 में सीरियल हम सब बाराती से करियर की शुरुआत की। 2008 में उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता अय्यर का किरदार मिला। फिल्मों की बात करें तो मुनमुन दत्ता की पहली फिल्म कमल हासन के साथ मुंबई एक्सप्रेस 2005 की थी। इसके अलावा वो साल 2006 में हॉलीडे में भी नजर आई थी। बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक 2008 में अरमान और मुनमुन एक दूसरे के करीब आए और इसी साल अलग भी हो गए। बताया जाता है कि वैलेंटाइंस डे पर किसी बात को लेकर अरमान और मुनमुन का झगड़ा हुआ था। इस दौरान अरमान ने मुनमुन की पिटाई कर दी। मुनमुन ने इसे लेकर अरमान की शिकायत पुलिस पर दर्ज करवाई जिसके चलते उन्हें फाइन भरना पड़ा था। वहीं उसके बाद से उनका ब्रेकअप हो गया था। मुनमुन के साथ एक विवाद भी जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि उन्हें फिजिकल टच बिल्कुल पसंद नहीं। शूटिंग में अगर कोई ऐसा शॉट आए जहां उन्हें कोई छू रहा हो तो वो चिढ़ जाती हैं। कहा यहाँ तक जाता है कि उनकी इस आदत के चलते डायरेक्टर उन्हें कई एपिसोड से आउट भी कर चुके हैं, लेकिन मुनमुन अपनी बात पर अड़ी रहती हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर।